कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के खाते सील और चुनावी बॉन्ड का उठाया मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा इस तरह खाते फ्रीज करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक, कांग्रेस के खाते फ्रीज नहीं किए गए, लोकतंत्र को किया गया फ्रीज। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के खाते फ्रीज करने को बताया चुनावी साजिश, बोली मुख्य विपक्षी दल के साथ ये व्यवहार अलोकतांत्रिक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा चुनावी बॉन्ड से देश की छवि खराब हुई, बीजेपी ने खुद का भरा खजाना। बॉन्ड मामले पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस को हार का डर। रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा राहुल गांधी देश को शर्मसार ना करें। शिवसेना नेता संजय राउत का प्रधानमंत्री मोदी पर वार, औरंगजेब से तुलना पर गरमाई सियासत। बीजेपी का संजय राउत पर पलटवार, कहा कांग्रेस करती है औरंगजेब का गुणगान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का संजय राउत पर हमला, चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का शिवसेना उद्धव नेता संजय राउत पर पलटवार, कहा पीएम मोदी जी के समान टिक नहीं पाने से लोग कुंठित हो गए। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल बात करेगी कांग्रेस। सोलापुर से कांग्रेस के टिकट पर प्रणिति शिंदे की उम्मीदवारी पर मुहर। एनसीपी अध्यक्ष सुनील ठाकरे का बयान, कहा महायुति में फाइनल सीट बंटवारे पर नजर, 1-2 दिन में हो जाएगा औपचारिक ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए अमरोहा से सांसद दानिश अली। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में प्रत्याशियों पर चर्चा। बिहार में पप्पू यादव की जन अधिकारी पार्टी का कांग्रेस में विलय, दिल्ली में कांग्रेस में शामिल। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से नाराज बताए जा रहे हैं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट से भरेंगे नामांकन। झारखंड के मांडू से विधायक और बीजेपी के सचेतक जीपी पटेल ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में शामिल हुए। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की बड़ी मुश्किल, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के सारे फैसले लालू प्रसाद करेंगे, राबड़ी आवास पर संसदीय बोर्ड की बैठक में बनी सहमति। राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव आयोग में बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत, शक्ति और ईवीएम पर बयान को लेकर आपत्ति। कांग्रेस नेता अजय कुमार का पलटवार, कहा अधर्मी है बीजेपी, इनको गीता या धार्मिक ग्रंथ दोबारा पढ़ना चाहिए। पीलीभीत से वरुण गांधी का चुनाव लड़ना तकरीबन तय, निजी सचिव ने 4 सेट में खरीदे नामांकन पत्र, बीजेपी ने अभी तक नहीं किया ऐलान। और पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का आरोप, प्रचार के दौरान इनकम टैक्स ने भेजा 3 नोटिस।